और बहुत से दिक्कत हो रहा है, तो गुटखा तुम लोग क्यों खा रहे हो? हैं, पैक गुटखा छोड़ नहीं सकते हो? और कमला पसंद ये सब कंपनियां जो हैं इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस को प्रमोशन करने के लिए क्यों बुलाती है? हेलो हेलो, क्या हाल चाल, स्वागत है तुम लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ अजीत और तुम लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अजीत। और भाई लोग, आज है हमारा 365 डे चैलेंज का डे 101। भाई लोग 100 डेज कंप्लीट हो गया, अब फिर से और आगे चलेगा। और भाई लोग, अभी टाइम हुआ है, ये देखो तुम लोग 9:20 होने वाले हैं। और भाई लोग, मैं चलता हूँ छत पे, क्योंकि छत पे थोड़ा सा कुछ तुम लोग से इम्पोर्टेंट बात करना है। चलो चलते हैं। अब भाई छत पे तो बहुत धूप लग रहा है। भाई लोग, मैं पहुंच चुका हूँ छत पे और भाई लोग, आज का मौसम जो है बहुत ही बढ़िया है। भाई लोग, आजकल मैं देख रहा हूँ गुटखा खाने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि तुम्हारी माँ का चौदो, जब तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तब क्यों खा रहे हो गुटखा तुम लोग, ये बताओ मुझको। भाई जब दिक्कत हो रहा है, तुम्हारे मुँह में दिक्कत हो रहा है, पेट में दिक्कत हो रहा है गुटखा खाने की वजह से, और बहुत से दिक्कत हो रहा है, तो गुटखा तुम लोग क्यों खा रहे हो? हैं, क्या गुटखा छोड़ नहीं सकते हो? हमें गुटखा उटका छोड़ दो, कहीं सालों तुम लोग को वो बीमारी होगी ना जो तुम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो तुम लोग को मैं यही समझाना चाहता हूँ, गुटखा उटका छोड़ो, क्योंकि गुटखा खाने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे बीवी बच्चे सबको दिक्कत होता है। अब जैसे तुम लोग को मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो तुम्हारी कोई फैमिली है, इसमें तुम रहते हो, तुम्हारी एक बीवी है और दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। और तुम्हारा बेटा हो गया है 15 साल का, कितने साल का? 15 साल का हो गया है, ठीक है। और तुम गुटखा खा रहे हो डेली, एक दिन में कम से कम 10-20 गुटखा खा ले रहे हो, और गुटखा खाने से तुम्हारा जो मुँह है वो पूरी तरह से खुल नहीं रहा है। जब मुँह पूरी तरह से नहीं खुलेगा तब तुम अगले आदमी कुछ सही से बोल नहीं पाओगे, और बोलोगे भी उसमें भी दिक्कत होगा। और जब तुम अपने घर पे आओगे और तुम अपने बेटे से कुछ कहोगे तो क्या वो तुम्हारी बात कायदे सुनेगा? भाई साहब, कभी ज़िंदगी में नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। अगर तुम उसको कुछ अच्छा समझाने जाओगे ना, तो यही बोलेगा कि यार मेरा बाप खुद साला हरामी है, गुटखा सुटखा खाता है, मैं उसकी बात क्यों मानूँ? वो ये समझेगा, वो सिर्फ अपनी करेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम पहले अपने आप को सुधारो, गुटखा सुटखा छोड़ो, अच्छी ज़िंदगी जियो, अपना अपने काम धाम में फोकस करो। गुटखा सुटखा कुछ रखा है नहीं भाई लोग, तो बस अच्छे से रहो और अच्छी ज़िंदगी जियो। और भाई लोग, मैं तुम लोग को सिर्फ समझा सकता हूँ, बाकी तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग अपनी ज़िंदगी कैसा जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो तुम लोग डिसाइड करोगे। बस मेरा काम है सिर्फ समझाना तुम लोग को और अपने आप को भी समझाना। हमारे लोग, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं गुटखा सिगरेट ये नशा वशा कुछ भी नहीं करता हूँ, इस सबसे मैं बहुत ही दूर रहता हूँ, मैं अच्छी संगत में रहता हूँ भाई साहब। और भाई साहब, पता है मेन बात क्या है? संगत। आप जिस संगत में रहोगे आप उसी तरह हो जाओगे। जैसे अगर आपके संगत वाले 4 आदमी अगर नशा कर रहे हैं, तो 100% 5वां आदमी अगर आप हो तो आप ही नशा करने लगोगे। और उसी तरह अगर आपके 4 आदमी अच्छे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी 100% उन जैसा पैसा कमाने लगोगे। वही बात है भाई साहब, ये पूरा जो मैटर है सिर्फ और सिर्फ संगत का है। तो पहले तो तुम लोग अपना संगत सुधारो, उसके बाद देखो क्या तुम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो बस भाई लोग, तुम लोग अपने आप सुधारो, अच्छे से रहो, और मैं चलता हूँ नीचे खाना खाने के लिए भाई साहब, क्योंकि मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा ऑफिस। ओ ओ सो बाजे मारे अखियां, एक नाम तेरा ही पुकारे, सोड़े रब तेरा जना, तेरे ही जैसे लगता है मेरा है टू 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 टू। भाई लोग, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। भाई लोग, आज मेरे खाना बना हुआ है सब्जी और परेठा। ये देखो परेठा, ये है सब्जी। तो भाई लोग, मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। और भाई लोग, खाना पीना खा के मैं हो गए एकदम से रेडी,
और मैं चल रहा हूँ ऑफिस, तो हम मिलते हैं सीधा ऑफिस पे। और भाई लोग मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस, ये देखो ये है मेरा प्रिंटिंग प्रेस का ऑफिस। भाई लोग मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और अभी मेरा ऑफिस जो है बंद है और ऑफिस को मैं खोलने जा रहा हूँ। ये देखो ये रहा चाबी और इसको मैं खोलूँगा। और भाई लोग ऑफिस हमारा खुल गया है और मैं आ गया हूँ ऑफिस के अंदर। ये देखो ये है हमारा प्यारा ऑफिस, ये हमारा डिजिटल प्रिंट मशीन और ये है एसी और उस तरह पर पंखा, ये देखो। और भाई लोग कुछ देर बाद हमारे युवराज भैया आ गए हैं और युवराज भैया से हम कुछ बात करने वाले हैं गुटखा के बारे में। ये देखो ये है हमारे युवराज भैया। तो युवराज भैया हम सबको ये बताइए क्या आप गुटखा खाते हैं? मुंह से बोलिए आवाज़ से, हाँ तेजी से थोड़ा बोलिए। नहीं गुटखा आप नहीं खाते हैं? क्या आपको गुटखा जो पसंद है? नहीं उसकी स्मेल पसंद जो है। अच्छा ये था जो लोग गुटखा खाते हैं क्या वो सही है? बेकार है। कैसे बेकार है? बीमारी का घर है। बीमारी का घर? कैसे बीमारी का घर है? थोड़ा कुछ बताइए हमारे, थोड़ा मोबाइल थोड़ा बंद कर देंगे, दो मिनट टाइम दे देंगे तो सही रहेगा। दुनिया जानती है क्या? नहीं दुनिया ठीक है, आप अपने बारे में बताइए, मतलब आप बताइए कि कैसे बेकार है लोगों के लिए? बेकार है स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक चीज़ है। कैसे? गुटखा खाने से क्या होता है? कैंसर होती है, मरोगे। मरोगे? कैंसर? कैंसर कहाँ होती है? कैंसर का रूप तुम्हारा बहुत होता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि कहाँ गुटखा खाने से कहाँ कैंसर होता है? मुँह में होगा और कहाँ। अच्छा तो क्या लोगों को गुटखा खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए ना, उसके जगह जब पियो फल खाओ। ये भैया सही बोल रहे हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझको ये बताइए जब गुटखा खाना मना है, जब गुटखा खाना सही नहीं है तो गुटखा की कंपनियां क्यों चलती है? वो बिजनेस है ना, बिजनेस है तो गुटखा की कंपनियां आज इतने ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है? जो गुटखा कंपनी है जैसे मान लीजिए विमल का और कमला पसंद, ये सब कंपनियां जो हैं इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस को प्रमोशन करने के लिए क्यों बुलाती है? क्यों बुलाती है बताइए? बुलाते हैं इसलिए कि उनका क्या जाता है, जो बेचता है उससे कभी पूछना कि तुम खाते हो नहीं, नहीं खाते। वो बात आपकी ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे इंडिया में गुटखा की जो कंपनियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं भाई साहब। मतलब ये समझो ना, अगर जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं और कुछ एक्ट्रेस हैं उन लोगों को वो 100-100 करोड़ सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करने के लिए दे रहा है, तो सोचो ये कंपनी कितना कमाता होगा। कड़वो कमाता है। कैसे कमाता है? हम ही आपसे कमाता है। तो यही तो बात है ना, हम और आप उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। यही अगर हम लोग सुधर जाएं तो ये गुटखा कंपनियां बंद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और ये गुटखा कंपनियां बंद होनी चाहिए क्योंकि गुटखा खाने से हमारे स्वास्थ्य और शरीर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जगह बहुत कुछ है खाने पीने, बहुत कुछ है। जूसे पी लो, जूसे पी लो, अनार सेब खा लो, दूध पी लो, अरे जूस नहीं पीना तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं रहता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे हफ्ता में कार दो बार तो हानिकारक नहीं रहेगा, लेकिन अगर गुटखा खाओगे तो बहुत हानिकारक रहेगा, वो आपके मुंह में जाएगा, दांत बेकार होगा और आपका पूरा दांत दर्द होने लगेगा, आपको क्लिनिक पे आओगे, डॉक्टर को पैसा दोगे, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं भाई साहब। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमको, समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से कि गुटखा सुटका मत खाया करो। क्या भैया मैं सही बोलो गलत? गुटखा उटका बंद करो आज से और अभी से, अगर तुम खाते हो तो, और नहीं खाते हो तो अच्छी बात है।